नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभुदयाल दीक्षित और मेरे स्टूडियो में आज बैठे हुए हैं श्री रामलीला शिक्षक जी, जो एक अध्यापक से रिटायर हैं और अच्छे कवि हैं। नमस्कार शिक्षक जी। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं सर। कब रिटायर हुए थे आप? मैं शिक्षक पद से 30 जून 2014। 30 जून 2014। अच्छा, आज है 1 सितंबर 2022। बहुत अच्छा, 8 साल से अधिक हो गए आपको जी। कविता आपने कब से शुरू किया है लिखना? कविता में मैं LT कर रहा था जी, तो उस समय हमारे TN बिरवाल आकाशवाणी से बोलते थे, हमारे पढ़ाते थे हमको LT में कई बोल थोड़ा, तो उन्होंने मैं की थी कहीं मीटिंग जुड़ी थी, इस वक्त के लिए मैं कम से काफ़ी कुछ करवाऊँगा। हाँ। और जो भी LT के छात्र हैं अगर उसमें शामिल होना चाहते तो अपना नाम लिखवा दें, तो मैंने भी नाम लिखवा दिया। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने कहा भाई आप ही कविता कर लेते, अपने साथ एक कोशिश कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, फिर उन्होंने कविता सुनी मुझसे, तो लाइन चार बनाई थी मैंने जी। हाँ, तो वो इस तरह थी। तो आपने आपकी कोई पुस्तक भी छपी है कोई? हाँ, ये पुस्तक छपी मेरी। किस नाम से? वो भरत यात्रा। भरत यात्रा, उसमें क्या आपने चित्रण किया है? उसमें चित्रण यह था कि हमारे गुरु जी हैं श्री नृत्यपाल महाराज जी, अयोध्या के जी, मणिराम दास सावनी के वो वे संस्थापक हैं जी। और वहाँ वो उन्होंने भाई कहा था एक बार कि भाई हमें भरत यात्रा चलनी है, आप लोग हमारे साथ चलें। तो मैंने प्रयास किया, मैं उस भरत यात्रा में शामिल हुआ। हम पुस्तक में क्या लिखा है आपने? मैंने लिखा है भरत यात्रा का आंखों देखा वर्णन। भरत यात्रा का आंखों देखा वर्णन लिखा है, जो अयोध्या में, जो अयोध्या से जो चित्रकूट के लिए जाते हैं। अच्छा। कहाँ का पड़ाव होता है, क्या क्या स्थिति है। अच्छा। उसका तो चित्रण करता था मैं। अच्छा। चित्रण किया मैंने उसको। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा। और कोई सुंदर सी कविता सुनाइए आप हमारे श्रोताओं दर्शकों। ऐसा है कि मैं छोटी कविता हो। हाँ, सुंदर। ब्रज की, हम ब्रजभट की माटी में रहते हैं, यहाँ पर हाथस में रह रहे हैं जी। और मैंने, मुझसे एक बार ऐसा हुआ था, ब्रजवार सम्मेलन हो रहा था जी, तो उसमें मुझे उन लोग जो संयोजक थे उन्होंने मुझसे कहा था जी कि शिक्षक जी आप ब्रज वंदना चाइल्ड लाइन में सुनाए, तैयार करें। ब्रज वंदना, ब्रज वंदना सुनाइए। तो मैंने ब्रज वंदना शुरू की थी जी कि ब्रज की माटी धन्य है, धन्य ब्रज दे हरिद्वार, ऐतिहासिक का ये क्षेत्र है। ब्रज की माटी धन्य है, साफ साफ ब्रज की माटी धन्य है, ब्रज की माटी धन्य है, धन ब्रज दे हरिद्वार जी, ऐतिहासिक यह क्षेत्र है, लगता है दाऊ का दरबार। अच्छा, हाथस में। हाथस में बिल्कुल। तो मेरे की चार पंक्तियाँ सुनाता हूँ, सुनते हैं। सुनाइए। कि ब्रज को रूप अनूप लगे, मन भावन पावन सुहावन है। ब्रजभाषा में। ब्रजभाषा में। ब्रज को रूप अनूप लगे, मन भावन पावन सुहावन है, राधा कृष्ण को ध्यान धरे, मथुरा गोकुल वृंदावन है। ब्रज मंडल वास करे चल के, भव ताप संताप नसावन है। हाँ। शिक्षक बंदन करे जा ब्रज को, ब्रज रज शीश धरावन है। ये मेरे चार पंक्तियाँ सुनाई थी। ब्रज की रज जो है शीश को शीश पर धारण कर रही होगी। हम अगर यात्रा करते हैं या क्रम लगाते हैं ब्रजभूमि में, हाथ हमारा ब्रज की देहरी तो है ही, है ही, यहीं से ब्रज स्टार्ट होता है। हाथरस का नाम ही भगवान शंकर और पार्वती के उस इतिहास से पढ़ा है। वो क्या था इतिहास, आप बताइए। ऐसा था कि एक बार शंकर पार्वती जी जी नंदी के साथ आज जा रहे थे गोकुल माप के लिए, भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए गोकुल जा रहे थे जी। तो ऐसा हुआ कि वो नंदी पे बैठे, तो बल्कि भाई पार्वती से कहा भाई तुम यहीं रुको, हाथरस में स्थान पे रात हो गई थी। हाँ, रात हो गई थी, स्थान पे रुको। हाँ। तो उनको प्यास लगी थी, उनको पार्वती जी को। हाँ जी। तो उन्होंने, शंकर जी ने एक अपने हस्त द्वारा, हाथ के द्वारा, और जल की, जल की धारा धारा प्रवाहित की और उनको पानी पिलाया। और हस्त धर, उसका नाम पता है हस्त रस, तो हाथरस नाम हस्त रस। हाँ, हाथ के द्वारा। हाँ, हाथरस प्रयास कर, हाथ का रस, तभी से इस शहर का नाम हाथरस पड़ा है। हाथरस पड़ा और हाथरसी देवी उसी स्थान पर मंदिर बना हुआ है हाथरसी मैया जी। ये थी इसकी पहली पुरानी। बहुत अच्छा, हाथरस का इतिहास के बारे में भी आपने बताया और
और कितनी कविताएं आप लिख चुके हैं अब तक? मैंने कविता ये तो पुस्तक लिखी है और करीब करीब ना तो 200 कविता मेरे पास है। अच्छा, अच्छा। हाँ। और भी पुस्तक आप छपाएंगे? हाँ, प्रयास कर रहा हूँ छपाऊंगा। हमारा शुभकामनाएं है आपके साथ कि आप भविष्य में और अधिक से अधिक रचनाएं लिखें, कुछ मेरे देश के लिए दो लाइन देश के अपने राष्ट्र के लिए खर्च करना चाहता हूँ। सुनाइए। ओ मेरे वतन तू हुआ चमन, तुझे करता नमन, तुझे करता नमन, ओढ़ करके कफन हो गए दफन, उन्हें करता नमन, उन्हें करता नमन, सच किया धर्म निभाया अपना धर्म, उन्हें करता नमन, उन्हें करता नमन, माँ की खाई कसम जी पूरा किया परन, उनको करता नमन, उनको करता नमन, इसलिए मैं उनके नमन करता हूँ। हमें देश की अपने शहीदों के लिए उनके लिए लिखी दो कविता लिखी थी जी। हाँ, और इस तरह से मैं चाहता हूँ कि ये ऐसी भावना कविता के माध्यम से जी हम आगे पूरे राष्ट्र में बच्चों के अंदर। तो आप जो कविताएँ लिखते हैं वो किस रस पर आधारित होती है? रस का सभी रस में, उसमें एक वो है हास्यस भी है और तुम्हारा वो करोश भी है, एक मेरी था देशभक्ति का भी देशभक्ति है और उसमें कई रस श्रृंगार भी है, श्रृंगार भी है। अच्छा। और एक कविता थी मैंने लिखी बेटी के ऊपर, लिखी थी मैं कविता। हाँ हाँ, हाँ। बेटी बचाओ बेटी हम चलना चल रहा था जी, तो मैंने एक कविता लिखी थी वो बहुत सुनते हैं उसको, सुनाएंगे अगले वीडियो में हम सुनाएंगे। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे श्री राम जी लाल शिक्षक कवि जो हाथरस के रहने वाले। धन्यवाद शिक्षक जी। थैंक यू।